पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की नामालूम फ़र्द और नामालूम ख़वातीन से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आई है। मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है कि ज़का अशरफ खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं कि 8 प्लेयर्स तलहा उस्मानी नामी शख्स के काबू में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम ने भी तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी उसी के कहने पर छोड़ी थी। कप्तान साहब जो है वो अपने दोस्तों को अपने करीबी उसको खिलाते हैं। शादाब की कोई जगह नहीं थी। शादाब उनके बहुत छोटी दोस्त है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं हसन तो इसलिए खेला था कि नसीम शाह नहीं था ना। नहीं नहीं अबू नसीम शाह नहीं था। एक बंदा है जो उसका नाम काबू किए हुए अभी बाबर आजम जो है उसको मैंने कहा तुम चलो टेस्ट कैप्टन के लिए रखते हैं वाइट बॉल को छोड़ दो। उसने वहां से कहता अच्छा जी मैं घर मशवरा कर दू घर से नहीं कि उससे नहीं कर जाके मशवरा अच्छा तला ने उसको मशवरा दिया तुम सारे छोड़ दो कोई भी कैप्टन ना हो तो ठीक है। कोहली भी तो नहीं है ना कैप्टन वो फॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन वो टेंडुलकर का रिकॉर्ड हो गया। जब उसको ये कहा तो प्लान बी भी तैयार था कि इसके ऐसे किया वैसे कर दो जब वो है मेरे फटाफट दूसरे बंदे को पहचान लो कैप्टन। तो व्हाइट बॉल में कौन शान मसूद है व्हाइट बॉल में अफरीदी है ना शाहिद अच्छा अच्छा उसके लेकिन रिजवान आपको नहीं लगता रिजवान उससे बेहतर था। रिजवान भी उसी जो है ना उसका 8 प्लेयर हमारे काबू किए 8 प्लेयर जो मर्जी करता रहे जाके। लेकिन आप देखें शाहीन जो है वो शाहिद अफरीदी के कंट्रोल में नहीं सुसर है नहीं अबू लेकिन वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है शाहिद अफरीदी भी बेटा। तो भी आप इतना तो चलता ही है ना क्या अल्लाह करे बस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो।